आज मैं भारत के एक नवरत्न कंपनी यानी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। ये नवरत्न कंपनी कैसे बर्बाद हो गया, कैसे कनेक्टिंग इंडिया जो है वो डिसकनेक्टिंग इंडिया हो गया, कैसे भारत संचार निगम लिमिटेड जो है भाई साहब नहीं लगेगा हो गया, साथ ही साथ कैसे जियो का उदय हुआ, कैसे एयरटेल जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो गया, कैसे वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो BSNL पे आज हम लोग करेंगे, जिसके पास एक समय जो है 90% यानी हर एक 10 में से 9 लोग जो है वो BSNL का सिम यूज किया करते थे। आज जो है BSNL के पास जो है वो ये डिक्रीज होके सिर्फ और सिर्फ 10.3% कस्टमर बच गया। ये BSNL का डाउनफॉल है। जियो जो शुरुआत करता है पहले फ्री में जो है लोगों को कहता है कि आइए फ्री फ्री फ्री, और आज जो है अंबानी साहब अपने बेटे के शादी में जो है बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, और बड़े बड़े लोगों को बुलाने के बाद जो है उसका पैसा जो है हम लोगों से लेते हैं। इनका बेटा का शादी हो रहा है जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, आलिया भट्ट सब लोग पहुंचते हैं। यहां तक कि चड्डी बनियान पहन के जस्टिन बीबर भी पहुंचता है 83 करोड़ रुपया पहले एडवांस में लेके, उसके बाद से जो है उसका भी पैसा जो है हम लोग देते हैं। पिछला वीडियो में हमने बताया कि कैसे जो है 4,500 करोड़ रुपया जो है भारत के लोग जो है वो जियो को हर 84 दिन पे देंगे। जियो के पास वर्तमान समय में अभी 4.45 करोड़ मतलब कि 45 करोड़ के आसपास जो है वो कस्टमर है, जिसको 450 मिलियन कहते हैं। एयरटेल के पास 35 करोड़ के आसपास कस्टमर है, और ये दोनों कंपनी जो है वो एकदम हवा में उड़ रहा है, यानी ये दोनों कंपनी फायदे में है। वोडाफोन आज जो है घाटे में है, और BSNL तो आज ऑप्शन में ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ कस्टमर बेस के साथ ये तो BSNL एकदम पूरा घाटे में है। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब हम लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर बताओ कि कौन सी कंपनी जो है सबसे ज्यादा मुनाफे में है आज के समय में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है कि जियो सबसे ज्यादा मुनाफे में है। जियो जो है वर्तमान समय में 1 लाख से ज्यादा जो है वो टावर जो है पूरे भारत में लगा रहा है। एयरटेल जो है वो पूरे भारत में जो है लगभग 52,000 टावर लगा रहा है। जियो का 1 लाख से ज्यादा टावर ऑलरेडी भारत में है, यहाँ पे देख सकते हैं, और एयरटेल का लगभग 53,233 टावर ऑलरेडी है, जो 4G 5G दोनों नेटवर्क उस टावर से आता है। BSNL का लगभग 9,000 टावर लगा हुआ है। कितना? 9,000, इसका 1 लाख, इसका 53,000, BSNL का 9,000, और 1,12,000 टावर लगाने का टारगेट है। पता नहीं कब लगेगा, और वो भी जो टारगेट है वो 4G के लिए है, 5G के लिए नहीं है। पहले 4G के लिए होगा और उसके बाद से उसको 5G में कन्वर्ट किया जाएगा। जब ChatGPT से हम सवाल पूछते हैं कि वोडाफोन आइडिया का कितना टावर है, तो ChatGPT बोलता है कि वोडाफोन आइडिया का 2G 3G 4G और 5G 1,80,000 टावर है। पहले वोडाफोन का बहुत सारा टावर होता था, वोडाफोन टावर इंस्टॉल भी करता था, आइडिया भी टावर अपना खुद का भी इंस्टॉल करता था, और कुछ दूसरी कंपनियों से बाई भी करता था, तो 1,80,000, जबकि ये 1,80,000 चालू कंडीशन में टावर नहीं है। इसका जो है 25% के आसपास टावर चालू कंडीशन में होगा। सबसे ज्यादा 5G नेटवर्क जो है वो जियो का है पूरे भारत में। सबसे ज्यादा गाँव में 20,000 से अधिक गाँव में, पंचायतों में इसका नेटवर्क आता है, और 5,000 से अधिक छोटे मोटे बड़े शहरों में इसका जो है वो नेटवर्क आता है। अप्रोक्सीमेट उतना ही जो है वो एयरटेल का भी आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो वहां पे कुछ और चीजें निकल के सामने आता है। BSNL जो है वो घाटे में जाता है। 2004 और 2005 में BSNL 10,000 करोड़ रुपया सालाना मुनाफा गवर्नमेंट को दिया था। उसके बाद से BSNL जो है वो वर्तमान समय में 2023 और 2024 में आप देख सकते हैं 5,367 करोड़ रुपया घाटे में। चूंकि ये जो है गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी भारत के लोगों की कंपनी है, यानी भारत के लोग जो है
वो घाटे में है एक कंपनी की वजह से, बीएसएनएल की वजह से, जो 2022-23 में इसका घाटा जो है वो 8,161 करोड़ रुपया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएनएल का कहानी हो गया। अब जो है आते हैं रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने जो बीएसएनएल को मुनाफा इस बार 20,000 करोड़ रुपया होना चाहिए था वो रिलायंस जियो को होता है। देख सकते हैं एक साल में 20,607 करोड़ रुपया मुनाफा रिलायंस जियो को होता है, जो अब नया टैरिफ के हिसाब से तो ये मुनाफा और बढ़ जाएगा। और पिछले साल जो मुनाफा 18,299 करोड़ रुपया हुआ था 12.6% के हिसाब से, इस बार जो है ये कम से कम 25% मुनाफा बढ़ेगा। यानी इस बार जो है इसका मुनाफा का ग्राफ जो है वो 30,000 करोड़ के आसपास जाएगा जियो का। जियो का अब एयरटेल आते हैं। एयरटेल का तिमाही अगर देखा जाए तो इसका लगभग 2,500 करोड़ यानी 2,442 करोड़ के आसपास। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2.5 × 4 करते हैं तो 10,000 करोड़ के आसपास मुनाफा इसका सालाना लगभग एयरटेल का 10,000 करोड़ के आसपास लगभग सालाना मुनाफा इसका है। एयरटेल जो है वो प्लस में जा रहा है और 54% का वृद्धि किया है। अगर ये 54% का वृद्धि इस साल भी कायम रहा तो ये सीधे जो है वो 15,000 करोड़ के आसपास पे चला जाएगा मुनाफा पे। ये एयरटेल 15,000 करोड़ का मुनाफा, जियो जो है वो 30,000 करोड़ का मुनाफा और बीएसएनएल जो है वो घाटे में है। ये घाटा ऐसे ही नहीं हुआ, बीएसएनएल के पास 4 लाख के आसपास कर्मचारी हुआ करते थे। एक बार 4 लाख के आसपास कर्मचारी हुआ करते थे। आज जो है बीएसएनएल के पास कर्मचारियों का छटनी के बाद सिर्फ 65,000 कर्मचारी के आसपास बचे हैं। और ये भी बचे हैं कि इसमें से भी और लोगों को निकाल दिया गया है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। एक समय 4 लाख, आज 65,000। एक समय बीएसएनएल जो है वो फायदे में था, आज जो है बीएसएनएल नुकसान में है। अब लोग मुहिम चला रहे हैं, एयरटेल प्राइस हाई कर दिया तो इसको बायकॉट करो, जियो प्राइस हाई कर दिया तो इसको बायकॉट करो, वीआई प्राइस हाई कर दिया तो इसको बायकॉट करो। प्राइस हाइक इन इंडिया, बायकॉट करो पोर टू बीएसएनएल। यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पोर टू बीएसएनएल का मुहिम चला रहे हैं और ट्विटर पे जो है पोर टू बीएसएनएल ट्रेंड भी कर रहा है। हमने भी जो है बीएसएनएल के समर्थन में जो है वो पोस्ट किया, ट्विटर पे ट्वीट किया। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा। अब देखिए यहाँ पे कार्ड लेके लोग जो है आधार कार्ड लेके ये सब बायकॉट कर रहे हैं सभी लोग, और बीएसएनएल का वो पंपलेट लेके जो है। अब बीएसएनएल में पोर्ट कैसे हो हम लोग? हमने एक बार गलती किया था, मैंने अपना और अपने कंपनी के कुछ स्टाफ का और अपने लोगों का जो है पोर्ट बीएसएनएल में करा दिया था आज से 2 साल पहले। जब पोर्ट करा दिया तो फोन आता नहीं था, फोन जाता नहीं था, फोन लगता था तो कहीं तीसरे आदमी को लग जाता था। मतलब कि इतना कष्ट हुआ कि उसके बाद से मैंने कसम खाया कि ये बीएसएनएल, मतलब कि बिहार में कुछ लोग कहता है कि भागशाला ना लगे, भाई साहब नहीं लगेंगे, डिस्कनेक्टिंग इंडिया। तो बीएसएनएल में पोर्ट करने में क्या समस्या है? अगर इसमें आप पोर्ट करते हैं तो नेटवर्क नहीं आता है, बातें सही से नहीं हो पाती है, और अगर कंप्लेन करते हैं तो कस्टमर केयर को फोन नहीं लगता है। 5G नेटवर्क तो पूरे भारत में है ही नहीं, 4G भी है तो बहुत कम जगह पे है, 3G भी नेटवर्क जो है हर जगह पकड़ता नहीं है, स्पीड नहीं है बीएसएनएल के पास। और बीएसएनएल को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, हमारे यहाँ के राष्ट्रवादी ईमानदार नेता है, जिन लोगों के देखरेख में बीएसएनएल धीरे धीरे बर्बाद होने लगा और जिन लोगों के देखरेख में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल धीरे धीरे जो है वो आबाद होने लगा। तो अब अगर आपको बीएसएनएल में पोर्ट कराना है तो बीएसएनएल का भी फर्ज बनता है कि वो आश्वस्त करे कि वो जो 1,12,000 नए टावर लगाने वाला है, जिसमें से सिर्फ 9,000 टावर लगाया है, तो बाकी जो है 1,03,000 टावर कब लगाएगा? 1,03,000 नहीं, कम से कम 50,000 टावर तो बीएसएनएल का वर्तमान समय में भारत में होना चाहिए। सिर्फ 9,000 है, उसमें भी 4G हर टावर पे नहीं पकड़ता है,
बीएसएनएल का ज्यादातर टावर जो है वो बंद हो चुका है, या तो डीजल के वजह से या तो अनेकों समस्याओं के वजह से। बीएसएनएल का जो एक्सचेंज ऑफिस है वो जर्जर पड़ा हुआ है, भूत बंगला बना हुआ है। अब इन परिस्थिति में लोग जो है वो जियो से बीएसएनएल की तरफ कैसे स्विच करेंगे, एयरटेल से बीएसएनएल की तरफ कैसे स्विच करेंगे और वोडाफोन से बीएसएनएल की तरफ कैसे स्विच करेंगे। इन परिस्थितियों में जो है लोग तो बीएसएनएल में पोर्ट नहीं करेंगे। भाई साहब आप लोग अच्छा मुहिम चला रहे हैं, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आप लोग सच में इस देश के ईमानदार राष्ट्रवादी नागरिक हैं, सच में। लेकिन आप लोगों का जो मुहिम है वो सफल कैसे होगा, और इन लोगों का मुहिम सफल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग बताइए। एकदम बिल्कुल इन लोगों का मुहिम सफल होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का मुहिम सफल करने में लोगों से ज्यादा जरूरी जो है वो बीएसएनएल को बेसिक स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो है ये बीएसएनएल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनको जो है वो कड़ा एक्शन लेना होगा। लेकिन टेलीकॉम मिनिस्टर जो है वो बीएसएनएल के जो हेड है, जो सबसे बड़े कर्मचारी है, जो अधिकारी है सॉरी, उनसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी से जरूर मिल लेते हैं। इनके बेटे के शादी में जरूर वो लोग दिख जाते हैं। अब कहां से बीएसएनएल सुधरेगा? अब हम चाह के भी कितना भी वीडियो बनाए, बीएसएनएल पे मैंने कम से कम 50 वीडियो बनाया, बीएसएनएल ऑफिस में भी जाके, लखनऊ में भी, पटना में भी, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, बीएसएनएल के हेडक्वार्टर के पास जाके मैंने वीडियो बनाया। कितना भी हमने प्रयास किया कि ये कनेक्टिंग इंडिया बन जाए, लेकिन ये जब जब मैंने प्रयास किया तब तब थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, और उसके बाद से फिर ढाक के तीन पात, और जियो का ग्राफ बढ़ा, एयरटेल का ग्राफ बढ़ा, और बीएसएनएल का ग्राफ धीरे धीरे डाउन ही हुआ। टेलीकॉम मिनिस्टर जी आपसे भी विनती है, बचा लीजिए इस बीएसएनएल को, वरना कहीं एक दिन जियो और एयरटेल का आग जो है ना वो वोटरों के ऊपर पड़ गया ना, और वोटर जो है रिवर्स गियर में चले गए ना, तो इस बार जो है 100 सीट माइनस हुआ है, 100 सीट लोकसभा चुनाव में। अगली बार कहीं 150 हुआ या 120 125 हो गया ना, तो फिर पत्ता गुल हो जाएगा, फिर कोई टेलीकॉम मिनिस्टर दूसरा कोई बन जाएगा। और आइए हाथ से हाथ मिलाते हैं और कनेक्टिंग इंडिया बीएसएनएल को फिर से जो है वो सबसे बढ़िया टेलीकॉम नेटवर्क बनाते हैं, ताकि जो है एयरटेल और जियो जो है वो अपना बढ़ा हुआ टैरिफ कम करे। और साथ ही साथ एक मुहिम हम लोगों को तब तक चलाना है जब तक एयरटेल और वोडाफोन और जियो अपना टैरिफ जो है ना वो 50% कट करके नीचे ना कर दे। तो एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया का टैरिफ भी जो है, वो दर भी जो है वो सस्ता कराना है, और बीएसएनएल को मजबूत भी करना है। तो सोशल मीडिया पे आप लोग जो है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो है ये मुहिम छेड़े रखिए, और देश के जितने भी बुद्धिजीवी है इस पे अपना आप लोग अपना राय जरूर रखें। जय हिंद।